जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अब आप हमारे सभी प्रोग्राम हमारी वेबसाइट www.jaijantv.com और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जयजान टीवी पर देख सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जयजान टीवी डाउनलोड करें और देखें हमारे सभी लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम, और साथ साथ जयजान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो उनकी पत्नी रमा थी। पत्नी, मैंने इससे पहले एक बात कही थी कि मैं अपनी माता बहनों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो बात जरूर सुनकर जाए, जिसके लिए मैं बहुत आतुर भी था और सोचता था अब तो कुछ ही गिनी चुनी रह गई हैं महिलाएं। लेकिन जैसा भी है, चलो जो कुछ भी, जैसा भी कुछ महिलाओं के लिए जो है खास तौर से कहूँगा, बताऊँगा। पहले कुछ छोटी सी दो चार बातें जो हैं जो अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो फल खा रहे हैं, आप जो आज फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, आज जो फल आप खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो बाग हैं मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लगाए। अगर कल आप अपने बच्चों के लिए पेड़ नहीं लगाएंगे, कल अगर आप अपने बच्चों के लिए पेड़ नहीं लगाएंगे, तो ये बताइए मेरे साथियों, दोस्तों, मेरी माता बहनों, वो बच्चे फल कहाँ से खाएंगे? वो बच्चे फल कहाँ से खाएंगे? इसलिए सबसे बड़ी बात कि अपने बच्चों को उस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करें। हाल में तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल काम ही खत्म कर दिया। ये खास उद्देश्य मेरा समाज के लोगों को बताने का था कि भाई गवर्नमेंट आपके हितकारी नहीं है, आपके हित की कोई भी बात नहीं कर सकती, न करने वाली है। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है, वो कौन सा राष्ट्र बनाना चाहती है, क्या उदाहरण पेश करना चाहती है, क्या देखना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो हमें अपने गिरेवान में देखना है, पढ़ना है, सुनना है और समझना है। और अगर नहीं समझे तो वो आपके ऊपर का जो जाल उन्होंने बुना है उससे आप दूर नहीं जा सकते, और हमारी स्थिति हो सकता है कि फिर उसी तरह से। लेकिन एक वीर पैदा हुआ भारत में, उसका नाम है चंद्रशेखर रावण। तो उसके लिए भी एक छोटी सी बात कह दूं कि चंद्रशेखर रावण ने ऐसा मिशन बना दिया, भाई चंद्रशेखर रावण ने ऐसा मिशन बना दिया और पढ़कर संविधान मेरे बाबा का भारत को हिला दिया। पढ़कर भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान इस भारत को हिला दिया। तो ये जनून आपके भी अंदर होना चाहिए, आपके बच्चों के भी अंदर होना चाहिए। और आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने बच्चे को ये कहना कि देखिए वो मास्टर जी हैं आपके पिताजी, आपके चपरासी हैं पिताजी, वो कोई अफसर हैं या जो कुछ भी हैं, कि अगर तुम उनकी गार्ड लाइन में उसी तरह से उनके पद चिन्हों पर चलकर नहीं आगे बढ़ोगे, तो बेटा एक मजदूर की तरह, जैसे एक अमूमन आदमी जंगल में काश करता है या अपना जहाँ कहीं भी मिस्त्री गिरी का कोई भी काम करता, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। बच्चों में थोड़ी सी ऐसा वो करिए। क्यों करिए? इसलिए कि ये ना सूरज मेरा है, ये ना सूरज मेरा है, ना ये चांद मेरा है, ना ये नाम मेरा है, ना भगवान मेरा है, ना चांद मेरा है, ना सूरज मेरा है, ना नाम मेरा है, ना भगवान मेरा है। और हमें गरूर होना चाहिए तो इस बात पर, अगर हमें गरूर होना चाहिए तो इस बात पर कि बाबा साहब मेरा है, संविधान मेरा है। साथियों, रमा ने जो इस जीवन में त्याग बलिदान किया, इस धरती पर बाबा साहब का नाम तो इस संसार में है ही है, लेकिन रमा जैसी माँ
रामा जैसी बहन, रामा जैसी बेटी, रामा जैसी बहू भी संसार में अभी कोई पैदा नहीं हुई। और कोई माई का लाल कह गए बता दे हमको, किसी भी आपने साहित्य में पढ़ाओ, किसी भी वेद पुराण में पढ़ाओ कि रामा जैसा कोई त्याग और बलिदान करके दिखाए। मास्टर जी ने जो कहा था कि सुबह निकल जाती अपने बच्चों के लिए, सिर पर टोकरा होता, गलियों में घूमती, बॉम्बे की, बंबई शहर की गलियों में घूमती और गोबर उठाती पशुओं का, और लाती, पाथती, सुखाती, फिर बेचने जाती। और क्या कहती, ये कहती थी अरे कोई मेरे वो क्या कहते हैं कंडे ले लो, मेरा बालम करे पढ़ कहाँ लंदन में करे पढ़ाई। वो तो एक गाना चलता है कि लंदन में मेरे साहब करे पढ़ाई और कोई मेरे कंडे ले लो, इस तरीके की एक बात चलती थी। तो उस माता का रमा भाई जी का एक सबसे बड़ा जो त्याग बलिदान है वो माता बहनों को भी याद रखना चाहिए कि जिस समय रमा जो है इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि बचने की उम्मीद नहीं था। बाबा साहब तब वहीं मौजूद थे, हालांकि कार्यालय में बैठे हुए अपने समाज के बारे में सोचते थे और तो कुछ सोचते नहीं थे। तो कोई आदमी भाग कर गया, सुबह के करीब 7-8 बजे थे। उसने कहा बाबा साहब हाँ ये रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसने कहा क्यों, क्या बात हो गई? उसने कहा इतनी तबीयत खराब है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो बाबा साहब के पास में कुछ चंद पैसे थे, 7 रुपए केवल जेब में थे, 7 रुपए। तो बाबा साहब ने अपनी सारी जेबें देखी, अंदर कोट में हाथ डाला तो 7 रुपए मिले। उसने कहा रमा ये मेरी किस्मत या तेरी किस्मत या मेरे बच्चों का भाग्य या इस धरती पर मेरा संस्कार या मेरा जो कुछ भी है, क्या ऐसा कर्म में मेरे लिखा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब कि आज मेरे पास में अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए तक के पैसे नहीं है, और अगर उसको जीवन में कुछ हो गया मेरा जीवन उजड़ जाएगा। तो देखिए रमा के पास में जब बाबा साहब आ गए, सारा दिन हो गया हाथ पकड़े रही बाबा साहब का, उनकी पत्नी हाथ पकड़े रही और कहती क्या है, कहती है कि मिलन रात भर का, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आगे कहती है माता,
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन यही है कहानी, इस ऐसा है दुनिया में जीना हमारा, ऐसा है दुनिया जीना हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, मिलजुल कर अब तुम सब रहना, मिलजुल कर सब रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे देखिए रमा कहती है लास्ट में, बाबा साहब रोने लगते हैं पूरी तरह से, उनकी इतनी हालत खराब हो जाती है, बाबा साहब कांपने लगते हैं और नीचे बैठ जाते हैं चारपाई से, रमा मेरा हाथ छोड़ दे सर, अब तेरी जिंदगी का और मेरी जिंदगी का कुछ असर रहा नहीं, और मैं एक कसम खाता हूँ कि जब आज तक मैं इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए जो भी मैंने किया, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा साथ ना छोड़, तेरे जैसा त्याग बलिदान इस संसार में कोई करने वाली, मैं ये कहता हूँ गर्व से कहता हूँ, तेरे जैसा त्याग बलिदान करने वाली इस संसार में कोई महिला शायद ही कोई पैदा होगी, बस तो मेरा हाथ छोड़ दे रमा, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं तेरे शब्दों को नहीं सुन सकता हूँ। तो देखिए रमा क्या कहती है बाबा साहब से, कोई भूल हो तो उसे भूल जाना, कोई भूल हो तो उसे भूल जाना, कोई भूल हो तो उसे भूल जाना, पर भूल
भूल कर तुम मुझे ना भुलाना। Bahut acha।